कंटिन्यू। सो वी आर डिस्कसिंग अबाउट द प्रिपरेशन मेथड, प्रिपरेशन मेथड ऑफ ईथर। ईथर तो यहां हम बात करेंगे ईथर के प्रिपरेशन मेथड के बारे में, ठीक है। तो ईथर को किस तरह से प्रिपेयर किया जा सकता है, लेट्स सी। द फर्स्ट मेथड फॉर ईथर प्रिपरेशन वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन फर्स्ट चैप्टर, हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। इसमें हम पढ़ चुके हैं, आपको ध्यान भी होगा, एक मेथड जिसमें हमने पढ़ा था विलियमसन ईथर सिंथेसिस। ओके, द फर्स्ट मेथड इज विलियमसन, विलियमसन ईथर सिंथेसिस, सिंथेसिस। और इसमें आपने पढ़ा था कि अगर हम CH3, CH2 एंड Cl इसको रिएक्ट कराते हैं NaOC2H5, दिस इज इथाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड, और इसकी रिएक्शन हम करा रहे हैं सोडियम, सोडियम इथॉक्साइड से। ओके, सोडियम इथॉक्साइड से इसको ऐसे लिख देते हैं ओपन करके, CH2CH3। सो इन दिस रिएक्शन Na कंबाइंड विथ Cl एंड रिलीज एज NaCl, ये तो NaCl की फॉर्म में रिलीज हो जाएगा, एंड वी विल गेट CH3CH2O एंड CH2CH3। सो वी विल गेट CH3CH2O CH2CH3, एंड दिस मेथड इज कॉल्ड विलियमसन ईथर सिंथेसिस। ये हमारे पास डाई इथाइल ईथर बन गया है, डाई इथाइल ईथर की फॉर्मेशन हो गई है, और ये हम मेथड पढ़ भी चुके हैं। अब जो इंपॉर्टेंट बात है इसमें वो समझना बेटा, ये जो रिएक्शन है इट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और आपको पता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जो न्यूक्लियोफाइल होता है, दिस इज द न्यूक्लियोफाइल बिकॉज इट इज नेगेटिव एंड दिस इज द पॉजिटिव पार्ट, ठीक है। एंड दिस न्यूक्लियोफाइल अटैक एट द कार्बन वेयर हेलोजन इज अटैच। तो यहां पर इस तरह से न्यूक्लियोफाइल अटैक हो रहा है और फिर प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है। अब जो ध्यान देने वाली बात है, यहां मैंने एल्काइल हैलाइड जो लिया है इट इज 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड। अगर मैं 1 डिग्री की जगह यहां पर 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड लेता हूं तो क्या ये रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है। देखते हैं जरा, CH3CH2 CHCl एंड CH2CH3, ठीक है। और इस पर अगर मैं NaOCH2CH3 का अटैक कराता हूं तो क्या होगा, एक और थर्ड डिग्री, 3 डिग्री भी ले लेता हूं मैं साथ ही साथ, तो इजी रहेगा हमारे लिए Cl एंड CH3। अब एक्चुअली आपको ध्यान है कि ये जो रिएक्शन है ना बेटा, ये रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हमने एक फैक्टर की बात की थी और वो फैक्टर था स्टेरिक हिंड्रेंस। और हमने कहा था कि अगर SN2 मैकेनिज्म से कोई रिएक्शन होती है और न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तो वहां अगर स्टेरिक हिंड्रेंस होता है तो रिएक्टिविटी कम हो जाती है। तो 2 डिग्री के अंदर जो स्टेरिक हिंड्रेंस होता है यहां पर, ये न्यूक्लियोफाइल जब अटैक करेगा इस कार्बन पर तो ये जो दो ग्रुप है यहां पर, ये स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट करेंगे। और यहां अगर देखा जाए न्यूक्लियोफाइल जब इस कार्बन पर अटैक करता है तो आपके पास 1, 2, 3 ग्रुप है जो स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट कर रहे हैं। इसलिए ये जो रिएक्शन है 2 डिग्री और 3 डिग्री के साथ वो न्यूक्लियोफिलिक नहीं हो करके किसको ज्यादा प्रायोरिटी देती है, एलिमिनेशन को देती है, और यहां जो प्रोडक्ट है हमारा वो अलग बन जाएगा। तो ये चीज ध्यान रखनी है कि अगर हम 1 डिग्री काम में ले रहे हैं तो उस कंडीशन में तो हमारे पास में ईथर बनेगा, लेकिन अगर मैं 2 डिग्री या 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड यूज में लेता हूं तो वहां पर ईथर नहीं बनता है, वहां प्रोडक्ट कुछ इस तरह से बनेगा कि यहाँ जो आपके पास हेलोजन है, ठीक है, ये Na के साथ में एक कार्बन से, तो ये तो NaCl रिलीज कर देगा, ठीक है। एक तो NaCl रिलीज हो गया Na और Cl से, ठीक है, और दूसरा कार्बन जो है वहां से एक हाइड्रोजन रिलीज होगा, ठीक है। और हाइड्रोजन, अच्छा वहां पर भी ये चीज ध्यान रखें कि डबल बॉन्ड वहां आता है जहां आपने सेजेफ लॉ पढ़ा है एलिमिनेशन में, तो यहाँ प्रोडक्ट सेजेफ लॉ के अकॉर्डिंग बनेगा, तो हाइड्रोजन का जो रिमूवल है वो इस कार्बन से होगा, ठीक है। और यहां से ये वाला नेगेटिव पार्ट कंबाइन होगा तो ये बनाएगा आपके पास CH3CH2OH, ठीक है, एल्कोहल। और तीसरा जो है हमारे पास में, क्योंकि मैंने यहां से एक हाइड्रोजन का रिमूवल कर दिया, यहां से हेलोजन का रिमूवल कर दिया है, तो यहां डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी, तो आपके पास बनेगा ये CH3CH डबल बॉन्ड CH एंड CH3, ठीक है। इस तरह से हमारे पास ये 3 प्रोडक्ट बनेंगे जिसमें एक आपके पास ये ब्यूटीन है, ठीक है। तो मतलब ईथर नहीं बना,
ये ध्यान रखना है यहां ईथर नहीं बना है। इसी तरह से इसमें भी सेम वही एलिमिनेशन होगा, यहां एल्फा से तो हेलोजन रिमूव हो जाएगा, एनएसीएल के साथ रिलीज हो जाएगा, इट विल फॉर्म एनएसीएल, और बीटा से, अब ये सारे बीटा कार्बन है तो कहीं से भी हाइड्रोजन रिमूवल हो सकता है, तो जो हाइड्रोजन रिमूव होगा वो यहां CH3CH2O के साथ कंबाइन होकर एल्कोहल बना लेगा, तो यहां ये फॉर्मेशन करेगा CH3CH2OH, और अल्टीमेटली जो यहाँ प्रोडक्ट बनेगा, जैसे सपोज यहां से मैं मान रहा हूं कि हाइड्रोजन का रिमूवल हुआ है यहां से हेलोजन का, तो बीच में डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी, तो यहां बनेगा CH3CH3 डबल बॉन्ड एंड CH2, दिस इज 2 मिथाइल प्रोपीन, ठीक है, 2 मिथाइल प्रोपीन बन गया है। तो अब यहां जो याद रखने वाली बात है बेटा वो ये है कि अगर आपको ईथर बनाना है तो आप 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड से नहीं बना सकते, ठीक है, आपको 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड ही रखना पड़ेगा। अब एक बात आती है कि अगर मान लो आपको ऐसा ईथर बनाना है जिसमें आपके पास 3 डिग्री ब्यूटाइल ग्रुप भी हो, तो मैंने ये कहा कि इससे नहीं बना सकते, लेकिन मैंने ये नहीं कहा कि नहीं बना सकते, बना सकते हैं, लेकिन उस कंडीशन में आपको 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड काम में नहीं लेना है, आपको इसका उल्टा करना पड़ेगा। कैसे, कि जो एल्काइल हैलाइड है उसको तो 1 डिग्री ही रखना पड़ेगा क्योंकि 1 डिग्री ये रिएक्शन देता है, ठीक है, 3 डिग्री किसको बना दो आप, सोडियम ब्यूटोक्साइड को बना दो, यहां पर जो एल्कोक्साइड ले रहे हो उसको 3 डिग्री बना दो तो आपके पास ईथर बन जाएगा, ठीक है। तो उसको भी अपन देख लेते हैं कैसे बनेगा, जैसे ये 2 रिएक्शन है, यहां पर ईथर नहीं बना है हमारे पास, अब मुझे अगर ईथर बनाना है तो मैं इसका अपोजिट करूंगा जो मैंने अभी किया है, देखिए अपोजिट कैसे, देखिए इस तरह से अपोजिट करेंगे, मैं सीधे 3 डिग्री ले लेता हूं यहां पर, ठीक है, तो 3 डिग्री में पहले तो यहां तो ये तो CH3 CH2 और Cl, ये तो मैंने 1 डिग्री लिया एल्काइल हैलाइड, और सोडियम एल्कोक्साइड जो है उसको मैं 3 डिग्री ले रहा हूं, ठीक है, उसको मैं 3 डिग्री ले रहा हूं, दैट इज 3 डिग्री। तो अब यहां पर जो आपके पास न्यूक्लियोफाइल है वो 3 डिग्री हो गया है, और ये न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पर अटैक करेगा, अब यहां स्टेरिक हिंड्रेंस इसको कम फील होगा क्योंकि अटैकिंग स्पीसीज को स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं मिलना चाहिए, तो अटैकिंग स्पीसीज अब आपके पास ये है जो इस कार्बन पर अटैक कर रही है और हेलोजन का डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, और आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा यहां पर CH3 CH2 O CH3 CH3 एंड CH3, तो ये अब आपके पास क्या बन गया, देखो ये तो इथाइल और ये ब्यूटोक्साइड है आपके पास 3 डिग्री ब्यूटोक्साइड, तो यहां पर इथाइल एंड टर्शरी ब्यूटोक्साइड, सॉरी ब्यूटोक्साइड नहीं, इथाइल टर्शरी ब्यूटाइल ब्यूटाइल ईथर, ठीक है ना, तो इस तरह से ईथर की फॉर्मेशन हो जाएगी। मतलब अगर आपको कोई ऐसा ईथर बनाना है जिसमें आपके पास में 3 डिग्री ब्यूटाइल ग्रुप हो, तो उसके लिए आपको एल्काइल हैलाइड को 3 डिग्री लेने की जरूरत नहीं है, एल्काइल हैलाइड तो 1 डिग्री ही काम में आएगा, आपको जो 3 डिग्री लेना है वो क्या है, एल्कोक्साइड, ठीक है, एल्कोक्साइड के अंदर 3 डिग्री वाला पार्ट होना चाहिए, तब आप उस कंडीशन में इसकी फॉर्मेशन कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं होगी, ठीक है। तो आई थिंक ये चीज क्लियर हो गई है आपको। यहां से क्वेश्चन बन जाता है बेटा, यहां से क्वेश्चन बन जाता है कि वाई 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड कैन नॉट गिव ईथर बाय विलियमसन ईथर सिंथेसिस रिएक्शन, तो विलियमसन ईथर सिंथेसिस वाली रिएक्शन से 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड ईथर की फॉर्मेशन क्यों नहीं करता है, तो आपको बताना है कि ये एक SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म से होता है, और SN2 रिएक्शन में जो एल्काइल हैलाइड है जब वो अटैक करता है, अगर वो एल्काइल हैलाइड जो है उस पर अगर अटैक होता है और अगर वो 3 डिग्री है तो स्टेरिक हिंड्रेंस से प्रोडक्ट नहीं बन पाता है इसका, ठीक है, तो स्टेरिक हिंड्रेंस इसमें मेन रीजन है, वो ध्यान रखें आप। अब इसी तरह से देखो एक और यहां पर कॉन्सेप्ट आता है कि अगर आपको एरोमेटिक ईथर बनाना है, ठीक है, अगर आपको एरोमेटिक ईथर बनाना है तो मैं 2 पॉसिबिलिटी लिख रहा हूं यहां पर, देखिए एक तो ये पॉसिबिलिटी है CH3Cl और NaOC6H5, ठीक है, इसको मैं बेंजीन रिंग ही बना देता हूं तो आपको दिक्कत नहीं रहेगी समझने में, एक तो ये पॉसिबिलिटी है, और दूसरा मैं यहां पर ले रहा हूं एरोमेटिक एल्काइल हैलाइड और इसकी रिएक्शन NaOCH3 से करा रहा हूं, ठीक है, तो आपको बताना है कि कौन सी रिएक्शन इन दोनों में पॉसिबल है। फर्स्ट पॉसिबल है
या सेकंड पॉसिबल है, विच रिएक्शन इज पॉसिबल और विच इज नॉट पॉसिबल, बता सकते हैं बेटा इसमें कोई आइडिया? वेटिंग फॉर योर आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल? सेकेंड, यस सेकेंड रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल। एक्चुअली सेकेंड रिएक्शन इसलिए पॉसिबल नहीं है बेटा क्योंकि हम यहाँ जो बात कर रहे हैं वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात कर रहे हैं, और हमें ये पता है कि जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अगर हम एरोमेटिक के लिए देखते हैं, ठीक है, तो उसमें न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है उस कार्बन पर जहां हेलोजन जुड़ा हुआ है, ठीक है। और हम ये भी जानते हैं कि जो क्लोरोबेंजीन है या जो एरोमेटिक हैलाइड होता है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देता है, उसकी रिएक्टिविटी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए बहुत कम होती है, तो इसलिए ये जो रिएक्शन है ना, दिस रिएक्शन नॉट पॉसिबल, ये रिएक्शन नहीं होगी, ठीक है, ये रिएक्शन होगी ही नहीं, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल जब इस पर अटैक करेगा तो एक्चुअली इसमें दो तीन चार रीजन मैंने बताए थे आपको, डबल बॉन्ड कैरेक्टर होते हैं इस वजह से सीएल नहीं निकल पाता, बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। दूसरा, अगर सीएल निकल जाए तो बनने वाला जो फिनाइल कार्बोकेटायन है वो बहुत कम स्टेबल होता है, इसलिए एग्जिस्ट नहीं कर पाता, ठीक है। फिर एक मैंने हाइब्रिडाइजेशन बताया था, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन की वजह से यहाँ पर इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है बहुत ज्यादा है, हेलोजन को अपनी तरफ खींच के रखता है, निकलने रिलीज नहीं होने देता, तो मतलब बहुत से रीजन है जिसकी वजह से ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देता है, इसलिए रिएक्शन नहीं होगी। लेकिन अगर इसका अपोजिट कर देते हैं हम, इसे हम न्यूक्लियोफाइल बना देते हैं, ठीक है, और अब इस कार्बन पर जो पार्शियल पॉजिटिव होता है जहां हेलोजन जुड़ा हुआ है उस पर अटैक अगर इस न्यूक्लियोफाइल का कराते हैं तो हो जाएगा, SN1 रिएक्ट SN2 रिएक्शन से आराम से प्रोडक्ट बनेगा और आपके पास बनेगा CH3O, ठीक है, ये बनेगा। तो ये आपके पास जो बना है इसको हम एनिसोल कहते हैं, ध्यान रखना बेटा, ये एक एरोमेटिक ईथर है एनिसोल, और इस एनिसोल का दूसरा नाम मिथाइल फिनाइल ईथर, इसको मिथाइल फिनाइल ईथर भी कहा जाता है, एनिसोल भी कहा जाता है और मिथाइल फिनाइल ईथर भी कहा जाता है। यहां से क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है, इसलिए मैं कंपेरेटिव स्टडी करा रहा हूं दोनों की, कि ऐसा पूछ लिया जाएगा कि ये रिएक्शन पॉसिबल क्यों नहीं है, तो हम बता सकते हैं कि यहां पर ये कौन सी रिएक्शन से होती है, SN2 मैकेनिज्म से होती है, और SN2 मैकेनिज्म में जब न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करता है तो यहां पर उसके वो चार रीजन आपको मेंशन करने पड़ेंगे जो मैंने अभी आपको बताए हैं, ठीक है, उन चारों रीजन की वजह से ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देता है और इससे ईथर की फॉर्मेशन नहीं होती है, ठीक है। तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर। तो ये हो गया विलियम, ये सारी रिएक्शन बेटा विलियमसन ईथर सिंथेसिस है, ध्यान रखना, विलियमसन ईथर सिंथेसिस कब आता है, जब आप एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन, ठीक है, सोडियम एल्कोक्साइड से कराते हैं, तो इन सब में सोडियम एल्कोक्साइड था हमारे पास में, ठीक है। अब नेक्स्ट मेथड अगर हम देखते हैं इसका, ईथर की फॉर्मेशन का, तो हमारा नेक्स्ट मेथड आता है, दैट इज ये हो गया डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, यस अच्छा क्वेश्चन है ये, बाय डिहाइड्रेशन, थोड़ा ऊपर लिख दो इसको, स्पेस अपने पास फिर नहीं तो कम पड़ता है, एक सेकेंड, थोड़ा सा इसको ऊपर कर दिया जाए, यस, बाय डिहाइड्रेशन, हाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल के डिहाइड्रेशन से, ठीक है। अब जरा समझे इसको ध्यान से, कि अगर हमारे पास कोई एल्कोहल है CH3CH2OH, दिस इज एल्कोहल, यहां पर मैं दो मॉलिकल्स ले रहा हूं बेटा एल्कोहल के, और यहां पर इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4, ठीक है, एट 413 केल्विन, 413 केल्विन पर इस रिएक्शन को मैं परफॉर्म करा रहा हूं, तो यहां पर डिहाइड्रेशन होगा, बट डिहाइड्रेशन जो होगा ना बेटा ध्यान रखना वो कितने मॉलिकल से होगा, दो मॉलिकल से होगा, यानी आउट ऑफ टू मॉलिकल्स वन वाटर मॉलिकल विल रिलीज, एक वाटर मॉलिकल यहां रिलीज हो जाएगा लाइक दिस, तो इस तरह से एक वाटर मॉलिकल रिलीज कर दिया हमने, तो जो वाटर मॉलिकल रिलीज हुआ है, तो वाटर मॉलिकल के रिलीज होने को ही तो हम डिहाइड्रेशन कहते हैं, ओके, यस, आवाज आ रही है बेटा, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? ओके, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट, सम टाइम इट हैपन्स, ओके, अब बेटा क्लियर है, अब आ रहा होगा आई थिंक, ओके, ठीक है, चलिए, ओके,
तो अब यहां पर वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो गया है हमारे पास, और वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होने के बाद जो हमारे पास मॉलिक्यूल बचा है दैट इज CH3CH2O CH2CH3, डाई इथाइल ईथर। ठीक है, ये डाई इथाइल ईथर बन गया और वाटर मॉलिक्यूल हमने यहां रिलीज कर दिया है। अब देखो मैंने कहा हर चीज का एक एक्सेप्शन भी मोस्टली देखने को मिलता है, इस रिएक्शन का भी आपको एक्सेप्शन देखने को मिलेगा। अगर आप टेम्परेचर चेंज कर देते हैं तो प्रोडक्ट चेंज हो जाएगा। यहां टेम्परेचर हमने लिया है 413 केल्विन। टेम्परेचर बहुत सिग्निफिकेंट है यहां पर, ध्यान रखना बेटा, कि अगर मैं टेम्परेचर चेंज कर देता हूं और टेम्परेचर कर देता हूं मैं CH3CH2OH, ठीक है, और वही सेम कंडीशन कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में अगर मैं 443 केल्विन टेम्परेचर करता हूं, तो ध्यान रखना अभी हमने देखा है टू मॉलिक्यूल्स में से एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो रहा है, ठीक है, बट एट 443 केल्विन टेम्परेचर वन वाटर मॉलिक्यूल विल रिलीज आउट ऑफ वन अल्कोहल मॉलिक्यूल, एक अल्कोहल में से एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा। तो देखिए यहां अल्फा से तो आपके पास OH रिलीज हो जाएगा और बीटा से H रिलीज हो जाएगा, तो आपके पास क्या बनेगा, इट विल फॉर्म CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, ये बन जाएगा आपके पास एथीन। तो अब ये चीज ध्यान देने वाली है कि अगर टेम्परेचर चेंज कर दिया जाए, ठीक है, सेम कंडीशन के अंदर, तो प्रोडक्ट चेंज हो जाता है। दैट्स व्हाई टेम्परेचर प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल एट द फॉर्मेशन ऑफ ईथर। ईथर की जब फॉर्मेशन करेंगे तो टेम्परेचर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज ध्यान रखनी है आपको, ठीक है। तो ये आ गया आपका सेकेंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन है इसका, ठीक है, ईथर की प्रिपरेशन एक इस तरह से कर सकते हैं। और थर्ड जो मेथड है हमारे पास, इसको रफ कर रहा हूं बेटा मैं, थर्ड मेथड दैट इज ऑल्सो यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन फर्स्ट चैप्टर या फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं, ड्राई सिल्वर ऑक्साइड के साथ रिएक्शन, ठीक है, नंबर थर्ड है बाय रिएक्शन विद ड्राई सिल्वर ऑक्साइड Ag2O, और इसका भी एक्सेप्शन देखेंगे अपन। एक्चुअली अगर मैं ड्राई की जगह मॉइस्ट ले लूंगा ना बेटा, तो प्रोडक्ट भी डिफरेंट बन जाएगा, तो ये चीज ध्यान रखना है, ड्राई सिल्वर ऑक्साइड होना चाहिए। जैसे आपके पास है CH3CH2Cl और इसकी रिएक्शन आप करा रहे हैं Ag2O के साथ में, ठीक है, ड्राई सिल्वर ऑक्साइड के साथ में रिएक्शन करा रहे हैं एल्काइल हैलाइड की, तो यहां पर आपके पास 2Cl 2Ag के साथ कंबाइन हो जाएंगे एंड दे विल फॉर्म 2AgCl। और अब देख सकते हैं आपके पास क्या बचा हुआ है, ये ऑक्सीजन जो नेगेटिव है ये इन दोनों कार्बन पर अटैक करेगा जो पार्शियल पॉजिटिव है, दैट मीन्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, आपने इसे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में पढ़ा है, ठीक है। तो द प्रोडक्ट विल बी CH3CH2O CH2 एंड CH3, दिस इज डाई इथाइल ईथर, ओके, दिस इज डाई इथाइल ईथर। तो इस तरह से डाई इथाइल ईथर की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो ये हमने तीन मेथड पढ़ लिए, दीज आर द थ्री मेथड्स बाय विच ईथर कैन बी फॉर्म, जिनसे अपन ईथर की फॉर्मेशन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं, तो ये हमने इसके कुछ प्रिपरेशन मेथड देख लिए ईथर के और इसको रफ कर रहे हैं। अब हम बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, लेट्स डिस्कस अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर। देखिए अब हम बात कर रहे हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर, ईथर की फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। और ईथर की फिजिकल प्रॉपर्टीज में जो सबसे पहली फिजिकल प्रॉपर्टी आती है जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, दैट इज फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट कैसा होता है ईथर का, फिजिकल स्टेट, ठीक है। तो अगर हम डाई इथाइल ईथर की और डाई मिथाइल ईथर की बात करें, क्योंकि मोस्टली हम इस चैप्टर के अंदर डाई मिथाइल ईथर और डाई इथाइल ईथर के बारे में स्टडी करेंगे, तो दोनों ही आपको नॉर्मल टेम्परेचर पर गैसीय स्टेट के अंदर मिलते हैं, ठीक है। सो बोथ आर CH3O CH3 एंड CH3CH2O CH2CH3, ओके, डाई मिथाइल ईथर डाई इथाइल ईथर बोथ आर गैस एट रूम टेम्परेचर, ठीक है, रूम टेम्परेचर पर आपको ये गैसेस स्टेट के अंदर देखने को मिलेंगे, ठीक है।
दूसरा जो पॉइंट आता है दैट इज बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। यहां से क्वेश्चन बन जाता है कभी कभी, 1 मार्क्स, हाफ मार्क्स क्वेश्चन, बॉइलिंग पॉइंट। तो देखो बॉइलिंग पॉइंट किस बात पर डिपेंड करेगा, बॉइलिंग पॉइंट इस बात पर डिपेंड करता है कि जो हमारे पास मॉलिक्यूल है उसमें पोलैरिटी कितनी है, क्योंकि एक्चुअली पोलैरिटी भी ध्यान रखिए बेटा बॉइलिंग पॉइंट को अफेक्ट करती है, ठीक है। तो एक जो हमारे पास ईथर है वो पोलर है कि नॉन पोलर है, कौन बताएगा बेटा? इज इट पोलर मॉलिक्यूल और नॉन पोलर मॉलिक्यूल, कोई बता सकता है मुझे? ईथर का नेचर कैसा है, इज इट पोलर और नॉन पोलर? वेटिंग फॉर योर आंसर। नॉन पोलर। एक्चुअली बेटा ईथर जो है ये एक पोलर मॉलिक्यूल है। क्यों है? क्योंकि हम वैसे जो स्टूडेंट इसे पोलर सोच रहे हैं, सॉरी नॉन पोलर सोच रहे हैं, उनका रीजन ये है कि वो अगर ये सोच रहे हैं कि उनका मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर जो है लीनियर है, अगर ये लीनियर होता तो डेफिनेटली ये क्या होता, नॉन पोलर होता। बट एक्चुअली इसका जो शेप होता है वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे पहले वाली क्लासेस के अंदर, CH2CH3, कुछ इस तरह से इसका स्ट्रक्चर है, ठीक है। और ये स्ट्रक्चर जो है यहां पर दो इसके पास लोन पेयर्स भी होते हैं ऑक्सीजन के ऊपर। तो अब हमें ये तो पता है कि ऑक्सीजन जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ड्यू टू ग्रेटर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसका डाइपोल मूवमेंट इस डायरेक्शन में लग रहा है, इसका डाइपोल मूवमेंट भी यहां लग रहा है, और जो लोन पेयर का जो डाइपोल मूवमेंट है वो लोन पेयर की डायरेक्शन में ही लगता है। तो ओवरऑल अगर डाइपोल मूवमेंट देखें तो ये अपवर्ड लग रहा है इसका, और अपवर्ड होने की वजह से इसका नेचर कैसा हो गया, पोलर, ठीक है। तो ध्यान रखना ये पोलर है, तो ड्यू टू पोलैरिटी, पोलैरिटी, ठीक है, पोलैरिटी होने की वजह से इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है बीपी ऑफ ईथर, ठीक है, बीपी ऑफ ईथर इज ग्रेटर देन एल्केन, एल्केन ऑफ कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास। जो कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास वाले एल्केन्स होते हैं, ठीक है ना, उन एल्केन्स के कंपैरिजन में इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज्यादा होता है, क्योंकि इसके अंदर पोलैरिटी है, तो पोलैरिटी है तो डेफिनेटली इसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट हो गए, ठीक है। तो पॉजिटिव नेगेटिव पार्ट आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, तो डेफिनेटली उसको आपको अलग अलग करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। तो इसलिए है तो ये गैसियस फॉर्म में, बट इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कंपेरेबली ग्रेटर देन एल्केन, एल्केन से इनका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो क्या होता है, ज्यादा होता है। बट अगर मैं इसको एल्कोहल से कंपेयर करता हूं, ठीक है, तो ध्यान रखना बीपी ऑफ ईथर इज लेस देन बीपी ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल के कंपैरिजन में इनका बीपी कम होता है। अब ये आपको रीजन पता होगा कि एल्कोहल का बीपी ज्यादा क्यों होता है इससे, कौन बता रहा बेटा? अगेन वेटिंग फॉर योर रिप्लाई। एक्चुअली पोलर तो होता है वो, बट उसका जो मेन रीजन है ना बेटा वो है हाइड्रोजन बॉन्ड, कि ईथर आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाते हैं, ठीक है, उसका भी रीजन है। आप देखो ईथर मॉलिक्यूल को अगर अपन देखते हैं तो ईथर मॉलिक्यूल इस तरह से है, सपोज CH2CH3, अगेन CH2CH3, ठीक है, ये ईथर मॉलिक्यूल है। तो ईथर मॉलिक्यूल का जो ऑक्सीजन है वो कार्बन से जुड़ा हुआ है, ठीक है, कार्बन से जुड़ा हुआ है। अब जरा एल्कोहल को देखो, CH3CH2OH, ठीक है, इसका जो ऑक्सीजन है वो डायरेक्टली हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है। तो हमने एक बात कही थी हाइड्रोजन बॉन्ड कौन बनाता है, जिसमें ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नाइट्रोजन ये एटम्स जो है किसी मॉलिक्यूल में डायरेक्ट हाइड्रोजन से कनेक्टेड है, तो वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। तो यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन नहीं होती है, जबकि एल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। तो इस वजह से हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से जब एल्कोहल के मॉलिक्यूल्स है ना, दे आर कनेक्टेड विद ईच अदर बाय स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स, एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स से आपस में जुड़े हुए हैं, जिसको हम हाइड्रोजन बॉन्ड ही कह रहे हैं, और उसकी वजह से उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखनी है इसमें, तो इसका रीजन है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है, और ईथर में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनता है, ठीक है। ये तो हमने एक बार इसकी बॉइलिंग पॉइंट के बारे में हमने बात की। अब अगर हम बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट से एक स्टेप आगे चलें सॉलिबिलिटी के बारे में, ठीक है, अब थोड़ा सा सॉलिबिलिटी को डिस्कस कर लेते हैं हम, लेट सी सॉलिबिलिटी, सॉलिबिलिटी। तो अगर हम सॉलिबिलिटी की बात करें तो ईथर जो है, ईथर इज सॉलिबल, सॉलिबल इन वाटर, वाटर में सॉलिबल होता है, ठीक है। तो अब वाटर में सॉलिबल होने का रीजन क्या है, देखो
वाटर में सॉल्युबल होने का रीजन ये कि ईथर आपस में तो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता, बट इट कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है ना, वाटर मॉलिक्यूल के साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन कर सकता है लाइक दिस। आप इसको ये देख सकते हैं, जैसे ये हमारे पास एक वाटर मॉलिक्यूल है, ठीक है, और ये ईथर है आपके पास में, दिस इज ईथर, दिस इज अनादर ईथर, ठीक है, आर इज द एल्काइल ग्रुप, तो यहां पर इसके साथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाती है लाइक दिस, ठीक है, इस तरह से। तो ये वाटर मॉलिक्यूल जो है वो ईथर के मॉलिक्यूल्स के साथ में एच बॉन्ड बना सकता है, एच बॉन्ड बना सकता है, और एच बॉन्ड बनाने की वजह से ही ईथर जो है, ईथर इज सॉल्युबल इन वाटर ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड, ड्यू टू एच बॉन्ड की वजह से वो सॉल्युबल होता है, ठीक है। ओके, आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू कि इसकी सॉल्युबिलिटी क्यों होती है वाटर के अंदर, और इसका बॉइलिंग पॉइंट किस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं। यहां से क्वेश्चन बनते हैं बेटा, ध्यान रखना, 1 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं, ये जो भी अपने टॉपिक बताए हैं, सॉल्युबिलिटी एंड बॉइलिंग पॉइंट, दे आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, 1 मार्क्स क्वेश्चन आर आस्क्ड मोस्टली, तो इसको तैयार रखिए। ओके, आगे चलते हैं, और कंपटीशन एग्जाम में तो डेफिनेटली इनमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसे छोटे छोटे जो फिजिकल प्रॉपर्टीज से रिलेटेड जो टॉपिक्स है वहां से क्वेश्चन आ जाते हैं। ओके, चलिए अब इसके बाद बात करते हैं हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, लेट्स डिस्कस अबाउट केमिकल प्रॉपर्टीज। चलिए, केमिकल प्रॉपर्टीज, और केमिकल प्रॉपर्टीज में जो सबसे पहली केमिकल प्रॉपर्टी है वो हम देख रहे हैं, क्लीवेज ऑफ सीओ बॉन्ड, ठीक है, क्लीवेज ऑफ सीओ बॉन्ड, बेसिकली हम वो रिएक्शन देख रहे हैं सबसे पहले जिनके अंदर सीओ बॉन्ड का क्लीवेज होता है, कार्बन ऑक्सीजन का क्लीवेज होता है, यहां से बॉन्ड बीच में से ब्रेक हो जाता है। तो यहां पर अगर हम ईथर की रिएक्शन किसी हेलोजन एसिड से कराते हैं तो मोस्टली ये क्लीविज देखने को मिलता है, ठीक है। ओके, चलिए देखते हैं, तो हम यहां बात कर रहे हैं रिएक्शन ऑफ ईथर ईथर विद एच आई, ठीक है, एच आई लिख लो या हेलोजन एसिड लिख लो, लेकिन एच आई के साथ इसकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है, तो हम यहां एच आई को एग्जाम्पल लेकर के रिएक्शन को समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो देखिए, अगर मान लीजिए मेरे पास ये ईथर है आर ओ आर, ओके, और इसकी रिएक्शन मैं एच आई से कराता हूं, तो एच आई से रिएक्शन कराने पर यहां पर जैसा मैंने कहा सीओ बॉन्ड का क्लीवेज होता है, और ये सीओ बॉन्ड इस ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में या इस ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में, तो मैंने इसको यहां से ब्रेक कर दिया, और जब आप इस बॉन्ड को ब्रेक कर रहे हो तो देखो यहां से ये वाला बॉन्ड भी ब्रेक होगा, तो एक हाइड्रोजन और एक आयोडीन इस तरह से ये अटैक करेंगे। अब हमें ये देखना है कि किस पर किसका अटैक होगा, ठीक है, तो एक्चुअली ये जो हमारे पास आई है बेटा ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ठीक है, और आयोडीन का जो अटैक होता है, इस आई माइनस आयन का जो अटैक होता है वो न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है, तो न्यूक्लियोफाइल उस कार्बन पर अटैक करता है जहां पर उसको पॉजिटिव चार्ज मिलता है, तो डेफिनेटली अगर ऑक्सीजन की बात करूं तो ये नेगेटिव है, तो ये वाला जो कार्बन होगा इस एल्काइल ग्रुप का वो पॉजिटिव होगा, तो ये एल्काइल ग्रुप यहां अटैक करेगा और हाइड्रोजन यहां अटैक करेगा, तो आपके पास जो प्रोडक्ट बनना चाहिए दैट शुड बी आर आई एंड आर ओ एच, ठीक है, इसका मतलब एक तो एल्काइल हैलाइड बन गया और दूसरा एक एल्कोहल बन गया, दिस इज एल्काइल हैलाइड ग्रुप एंड दिस इज एल्कोहल ग्रुप, ठीक है, एल्कोहल और एल्काइल हैलाइड की फॉर्मेशन हो गई है। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि ये तो बनता ही बनता है, लेकिन इस रिएक्शन के अंदर जो बनने वाला हमारे पास एल्कोहल होता है, ठीक है, जो एल्कोहल होता है ये वापस से एच आई से रिएक्शन कर लेता है इस स्टेप में, और जब ये दोबारा से इसके साथ रिएक्शन करता है तो एक वाटर मॉलिक्यूल और रिलीज करता है और वापस से हमारे पास आर आई और एच टू ओ बनता है। तो एक्चुअली ये जो रिएक्शन है ना, इसको हम ओवरऑल अगर इस रिएक्शन को लिखें तो ये रिएक्शन कुछ इस तरह से होती है कि देखो, इसमें आर आई यानी एल्काइल हैलाइड की फॉर्मेशन हुई, सॉरी एल्कोहल की फॉर्मेशन हुई और यहां एल्कोहल यूज में आ गया, ठीक है, तो अब इसको अगर अपन कंबाइन करके लिखते हैं तो रिएक्शन कुछ इस तरह से होगी कि आर ओ आर प्लस 2HI गिव 2RI
H2O, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ईथर को जब आप एसाइड से रिएक्शन करा रहे हैं तो फाइनली आपके पास क्या मिलता है, एल्काइल हैलाइड बनता है। फाइनली जो प्रोडक्ट बनता है आपके पास वो क्या बनता है, एल्काइल हैलाइड बनता है। एल्काइल हैलाइड की फॉर्मेशन होती है और वाटर बनता है। बाकी जो एल्कोहल बनता है वो एक तरह से इंटरमीडिएट बनता है, बीच में बना और यूज में आ गया, प्रोडक्ट के अंदर लास्ट में आपको दिखाई नहीं देता ये, ठीक है ना। तो ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है। अब इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम इस रिएक्शन को समझने के लिए। ये तो मैंने एक रिप्रेजेंटेटिव रिएक्शन ली है। अब अगर इस रिएक्शन को किसी पर्टिकुलर कंपाउंड को लेकर के कराएं तो किस तरह से होगी वो देख लेते हैं। ओके लेट्स सी। चलिए तो हमने यहां ले लिया है CH3, CH2 और O CH2 CH3, और इसकी रिएक्शन मैं HI से करा रहा हूं, ठीक है। तो पहले स्टेप में हमारे पास जो प्रोडक्ट बनता है, जैसा हमने कहा था कि अगर मान लीजिए मैं ऐसे इसको ही कंपेयर कर लेता हूं कि यहां पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है और यहां पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। अब आप देखो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव है, तो अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि जो नेगेटिव वाला पार्ट है वो न्यूक्लियोफाइल है, और न्यूक्लियोफाइल उस कार्बन पर अटैच करेगा जहां उसे पॉजिटिव मिलेगा। तो फिलहाल हमने इसको पॉजिटिव माना है, तो इसका अटैक जो है वो यहां हो रहा है, ठीक है। तो यहां अटैक होने से प्रोडक्ट क्या बना आपके पास, CH3 CH2I एंड देन CH3 CH2 और OH, ठीक है। बाकी फिर हमें पता है जैसा अभी अपन ने देखा था कि एल्कोहल जो होता है वो बाय प्रोडक्ट बनता है, जब एक और रिएक्शन होगी तो एल्कोहल खत्म हो जाएगा, फाइनल प्रोडक्ट हमारे पास यही बनेगा एल्काइल हैलाइड, ठीक है। अब इसमें भी थोड़ी सी कंट्रोवर्सी है, ठीक है, इसमें भी थोड़ी सी कंट्रोवर्सी है, उस चीज को भी समझना जरूरी है कि जो हम यहां पर रिएक्शन करा रहे हैं एसआई के साथ में, तो ये मैंने जो रिएक्शन कराई है ना बेटा, ये 1 डिग्री के साथ कराई है ईथर के साथ में। अब अगर मान लीजिए मैं यहां पर पॉसिबिलिटी चेंज कर देता हूं और ईथर हम 2 डिग्री या 3 डिग्री लेते हैं, तो क्या उस कंडीशन के अंदर भी हमारे पास सेम प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है, वो चीज समझने वाली है। देखिए एक्चुअली ये जो रिएक्शन हुई है ना, ये आपके पास SN2 मैकेनिज्म से हुई है, ठीक है। और SN2 मैकेनिज्म में हमने देख लिया कि इसने अटैक कहाँ किया और प्रोडक्ट कैसे बना है। अब अगर मान लीजिए हमारे पास में यहां 3 डिग्री है, ये वाला ईथर है आपके पास, ठीक है, ये ईथर है, और इसकी रिएक्शन में HI से करा रहा हूं। अब हमारे दिमाग में बात आती है कि अब ये जो I अटैक करेगा, ठीक है, जो हम कह रहे हैं कि न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है, जो पार्शियल नेगेटिव है, तो अब ये आई अटैक कहाँ करेगा। दो पॉसिबिलिटी है, क्योंकि हमें पता है पार्शियल पॉजिटिव तो ये भी है और पार्शियल पॉजिटिव तो ये भी हो सकता है। तो अब इस आई को अटैक यहां करना चाहिए या यहां करना चाहिए, ठीक है, यहां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो कहाँ होना चाहिए बेटा, बस यस, क्या वीडियो नहीं आ रहा क्या, एक सेकेंड, ओके okay. अब कुछ फर्क पड़ा बेटा, अब दिख रहा है, ओके ठीक है, ओके ओके। तो हाँ देखते हैं बेटा आगे। तो अब मैं कह रहा हूं कि यहां पर जो आई अटैक करेगा ना, क्योंकि अब तक हमने ये देखा था कि दोनों तरफ इस वाले में तो क्या, दोनों तरफ आपके पास नंबर ऑफ कार्बन सेम थे, ठीक है, तो यहां तो कोई इश्यू नहीं था, आप आई का अटैक यहां कराओ या यहां कराओ, प्रोडक्ट तो वही बनना था। लेकिन यहां अगर मैं यहां अटैक कराता हूं आई को, तो आपके पास 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड बनेगा, और यहां अटैक कराता हूं तो 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड बनेगा। तो अब हमें डिसाइड करना है कि प्रोडक्ट कौन सा बनेगा। तो अब यहां एक बहुत जरूरी बात समझ लें कि ये जो रिएक्शन है ये SN1 मैकेनिज्म से होगी, और आपको ध्यान होगा कि SN1 मैकेनिज्म ये कहता है कि अगर हमारे पास 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड है, सॉरी 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड है, वो ज्यादा रिएक्टिव होता है, या 3 डिग्री कार्बोकेटाइन ज्यादा रिएक्टिव होता है, ठीक है, ज्यादा स्टेबिलिटी होती है उसकी। तो यहां पर जब ये आपके पास 1 डिग्री होता है तो ये SN2 से रिएक्शन करता है, ठीक है, और अगर आपके पास में यह 3 डिग्री होता है और 1 डिग्री दोनों होते हैं, तो उस कंडीशन में ये ध्यान रखना SN1 से रिएक्शन करता है, और SN1 मैकेनिज्म में हमने कहा कि न्यूक्लियोफाइल वहां अटैक करेगा जहां उसको 3 डिग्री मिलेगा। तो इस बार आपके पास जो एल्काइल हैलाइड बनेगा ना बेटा, से वो ये बनेगा CH3 CH3 और आई, और एल्कोहल ये बनाएगा आपके पास CH3 CH2OH, ये एल्कोहल बनाएगा। तो ये आपके पास बन गया 3 डिग्री ब्यूटाइल
ठीक है, ब्यूटाइल आयोडाइड। तो ये चीज ध्यान रखनी है आपको, और यहां से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, क्योंकि जहां थोड़ा सा भी कंफ्यूजन होता है ना बेटा, वो ही चीज इंपोर्टेंट बन जाती है। और यहां डेफिनेटली कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट को कि यहां मुझे आई का अटैक कहां कराना है। तो ध्यान रखना है, अगर 1 डिग्री 2 डिग्री और 1 डिग्री और 3 डिग्री एक साथ है आपके पास, जैसे यहां पर 3 डिग्री और 1 डिग्री एक साथ है, तो हमारे पास न्यूक्लियोफाइल वहां अटैक करेगा जहां वो SN1 मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग करता है। यानी अगर 1 2 एक साथ है तो 2 पर, और 1 3 एक साथ है तो 3 पर, ठीक है। और अगर दोनों तरफ 1 है जब तो कोई इश्यू है ही नहीं, फिर तो 1 डिग्री पर ही अटैक होगा और डेफिनेटली प्रोडक्ट उसके अकॉर्डिंग बन जाएगा, ठीक है।